Good afternoon. My name is Vanshika. I read in class 4th. My school name is GPS Kritikao Kotabag. Ek paan ka patta, jab pahuncha Kolkata, pakda apna matha, aage mili supari, sabne kari taiyari, sab pahunche Pune, wahan laga chuna. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता पुजारी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिनतीगांव कोटाबाग। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हाउ हाउ हब। तो प्रस्तुत है मेरी कविता हाउ हाउ हब। एक सुनाओ गप। बाबा जी की दाढ़ी, झंझेरे की झाड़ी, उस दाढ़ी के अंदर छिपे बीसवे बंदर, करते रहते खो 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 खो, यही दिन बीते बरसों, हाउ हाउ हब। अब सुनाओ तुम गप। धन्यवाद। गुड इवनिंग, माय नेम इज गायत्री कुमटी, आई लिव इन नोएडा। माय स्कूल नेम इज जीपीएस गिनतीगांव कोटाबाग। माय पोयम इज एक पान का पत्ता, एक पान का पत्ता, जा पहुंचा कलकत्ता, पकड़े अपना माथा, आगे मिली सुपारी, कर ली सबने तैयारी, सब गए पूना, वहाँ लगा था चूना। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज नम्रता गुमटे, आई लिव इन नोएडा। माय स्कूल नेम इज जीपीएस खिंतियां कोटाबाग। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पतंग। सर 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 उड़ी पतंग, फड़ 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा। थैंक यू। Good evening all of you. My name is Garima Pandey. I read in class 5th. My school name is GPS Gintigao Kotabag. मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रज्जू और कद्दू। रज्जू के बेटे ने मिट्टी के ढेरों में कद्दू के कई बीज बोए बोए बोए। रात का अंधेरा था, चूहों का ना डेरा था, दो चूहे मोटे होके सोए सोए सोए। सुबह को ना ढेर थे, ना कद्दू के ढेर थे, दो चूहे बीज खाने गए गए गए। थैंक यू। सरसर उड़ी पतंग, फड़फड़ फड़फड़ उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया जोर सपाटा, आ जाने में जूती पतंग, अरे कद कई।